तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टेकमस और आज मैं बात करने वाला हूँ पोको X2 के बारे में। तो पोको X2 का इंडिया में लॉन्च हुए पूरे 3 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो मैं इस फोन को बहुत ही लंबे समय से यूज करते आ रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं इस फोन का एक छोटा सा लॉन्ग टर्म रिव्यू करूंगा और मेरा जो भी एक्सपीरियंस था इस फोन के साथ सब कुछ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो जरूर से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना करो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अभी पोको X2 में आपको ग्लास वाली बॉडी देखने को मिल जाती है और फ्रंट एंड बैक आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पर ऑनेस्टली मुझे इसका बिल्ड क्वालिटी वैसे काफी ज्यादा पसंद आया और जब आप इस फोन को हाथ में पकड़ते हो तो ये काइंड ऑफ आपको बहुत ही एक प्रीमियम फीलिंग देता है। तो ऐसा लगता है कि आप कोई 30-40 हज़ार का महंगा फोन इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन दोस्तों जब ये फोन मेरे पास पहली बार आया था तब मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा। अब इसका रीजन है कि इसमें आपको बहुत ही बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे लेकिन बाद में कुछ ही दिनों के बाद आपको इसकी आदत लग जाएगी। अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके डिज़ाइन के बारे में तो डिज़ाइन वाइज भी मुझे ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अभी इसका रीज़न है कि फ्रंट में आपको डुअल पंच होल वाली डिज़ाइन देखने को मिल जाती है और मुझे पर्सनली ये वाली डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगी। अभी बहुत लोगों को सिंगल पंच होल कैमरा भी ज़्यादा पसंद है लेकिन मुझे पर्सनली ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया। और पीछे भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। स्पेशली जो कैमरा कह रहा हूँ जो सर्कुलर सा कटआउट है वो सच में यहाँ पर इस फ़ोन को काफ़ी एक यूनिक सा लुक देता है। तो मुझे ओवरऑल इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लेकिन दोस्तों अगर आपके इसके डिजाइन को और भी इंप्रूव करना है तो आप इसमें पीछे स्किन वगैरह अप्लाई कर सकते हो। अभी इसके स्किन के ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई थी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर डिस्प्ले के बारे में तो इसमें आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। अभी ये इस पोको X2 का सबसे हाईलाइटिंग फीचर है और ये एक्चुअल में काम करता है क्योंकि दोस्तों जब आप इस फोन को यूज करोगे तो 120 हर्ट्ज होने के कारण तो आपको बहुत ही एक स्मूथ सा इंटरफेस इसमें देखने को मिल जाता है और कुछ एप्लीकेशन के अंदर भी ये 120 हर्ट्ज जो ऑप्शन है ये काम करता है। लेकिन गेमिंग के अंदर ये काम नहीं करता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ पबजी के बारे में तो पबजी में आपको कोई भी 120 हर्ट्ज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर 120 हर्ट्ज होने के कारण आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इंटरफेस इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो डिस्प्ले का जो पैनल है उसकी क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले ब्लैक्स वगैरह भी आपको काफ़ी ज़्यादा डार्क देखने को मिल जाते हैं और सनलाइट विजिबिलिटी के मामले में भी मुझे ये डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अभी के लिए दोस्तों मैंने अपने फ़ोन में स्क्रीन गार्ड को अप्लाई करके रखा है तो मुझे इस स्क्रीन गार्ड की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो आपको ऐसे ही कुछ टेम्पर ग्लास वगैरह परचेज तो मैंने इस पोको X2 के एसेसरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उसको वहां से चेकआउट कर सकते हो। अभी चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन की कैमरा के बारे में। अभी दोस्तों अंडर 20,000 पोको X2 का कैमरा मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अभी इस फोन में आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ आपको सोनी IMX का 686 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है। अभी ये इस फोन का सबसे हाईलाइटिंग फीचर है। अभी दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस फोन के कैमरा क्वालिटी के बारे में तो ये मैंने इसके नॉर्मल मोड से कैप्चर किए थे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिटेलिंग और कलर्स के बारे में तो आपको डिटेलिंग वगैरह इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है और जो कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह है वो भी आपको इसमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में इस फोन में थोड़ी सी ओवर सैचुरेशन वाली प्रॉब्लम थी लेकिन अभी अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम अभी फिक्स हो चुकी है। और दोस्तों अगर आपको बहुत ही नेचुरल कलर वाले फोटोज वगैरह कैप्चर करना है तो आप इसमें गूगल कैमरा डाल सकते हो तो उसमें आपको काफी अच्छे फोटोज देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी 64MP वाले कैमरा के बारे में तो 64MP वाले फोटोज मुझे इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पसंद आए क्योंकि इसमें जूम करने के बाद भी आपको काफी अच्छी डिटेलिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। तो अंडर 20,000 मुझे पोको X2 का 64MP कैमरा सबसे ज्यादा पसंद आया। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिल जाता है और इसकी मदद से आप अल्ट्रा वाइड फोटोज और वीडियोज दोनों ले सकते हो। अभी अगर मैं बात करूं अल्ट्रा वाइड फोटोज के बारे में तो अल्ट्रा वाइड फोटोज में आपको काफी वाइड फोटोज देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर कैमरा क्वालिटी भी आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाती है। अभी अगर मैं बात करूँ वीडियो के बारे में तो अल्ट्रा वाइड वीडियोज भी आपको काफी कमाल के देखने को मिल जाते हैं, काफी एक वाइड सा आपको व्यू देखने को मिल जाता है लेकिन फिर भी इसमें आपको इतना अच्छा स्टेबिलाइजेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। अभी इसके अलावा इसमें आपको मैक्रो लेंस भी देखने को मिल जाता है तो मैक्रो लेंस से आप डे लाइट में अच्छे फोटोज ले सकते लेकिन अगर आप लो लाइटिंग कंडीशन या इंडोर्स में फोटोज को कैप्चर करोगे तो इसमें आपको बहुत ही खराब फोटोज देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए अगर आप मैक्रो फोटोज वगैरह लेना चाहते हो तो आपको इसको डे लाइट में यूज करना चाहिए, नहीं तो आपको इसमें बहुत ही ज्यादा नॉइज वगैरह देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके वीडियो कैमरा के बारे में तो आप इसमें 1080p 60fps और 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो
और ऑनेस्टली दोस्तों मुझे इसका वीडियो कैमरा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी वगैरह है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी क्लीन वीडियोस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो क्वालिटी है वीडियोस की वो आपको सच में काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, और विंडोज में भी आप इसमें काफ़ी बढ़िया वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मुझे वियर्ड लगी कि 4K वीडियोस में आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलाइजेशन इसके अंदर देखने को मिल जाती है, लेकिन 1080p में मुझे इसकी स्टेबिलाइजेशन इतनी पसंद नहीं आई। तो जब भी आप 1080p में वीडियोस वगैरह शूट करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा शेकीनेस इसके वीडियोस में देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी और पोको को इसको जल्द से फिक्स करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें स्लो मोशन वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि है 120fps, 240fps और 960fps। तो स्लो मोशन वीडियोस दोस्तों मुझे इस फोन में काफी ज्यादा पसंद आए, तो अभी आप इसका वीडियो सैंपल पूरा देख लीजिएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। अभी दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो पोको X2 में आपको स्नैपड्रैगन का 730G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अभी ये बहुत ही एक पावरफुल चिपसेट है, और दोस्तों आप इसमें बहुत सारे हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स बिना किसी दिक्कत के खेल सकते हो। अभी मैं इस फोन में ज्यादातर पबजी खेलता हूँ, तो पबजी में मुझे कोई भी फ्रेम ड्रॉप या कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। और दोस्तों यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट पबजी में HD का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन आप GFX टूल के मदद से आप इसमें HDR में भी गेमिंग कर सकते हो, और मैंने इसमें HDR में भी गेमिंग करके देखा था, और उसके बावजूद भी मुझे कोई भी इसमें लैग या कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों अगर आपको गेमिंग के लिए कोई भी फोन वगैरह चाहिए तो आप पोको X2 को जरूर से परचेज कर सकते हो। और दोस्तों बहुत सारे लोग बता रहे थे कि उनको अपने फोन में हीटिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, तो जब आप इसमें बहुत ही लंबे समय तक हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स खेलोगे तो आपको इसमें थोड़ा सा हीटिंग वगैरह देखने को मिल जाता है, लेकिन जैसा ये हीट होता है वैसा ये कूल डाउन भी हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको हीट पाइप देखने को मिल जाता है। तो मुझे दोस्तों यहाँ पर अभी तक इसमें कोई भी हीटिंग इश्यू देखने को नहीं मिला है, और गेमिंग के लिए दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट फोन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके UI के बारे में, बहुत सारे लोग बता रहे थे कि उनको अपने फ़ोन में काफ़ी सारे एड्स देखने को मिले थे, लेकिन दोस्तों मैं इस फ़ोन को बहुत ही टाइम से यूज़ करते आ रहा हूँ और मुझे आज तक ऑनेस्टली कोई भी एड्स इसमें देखने को नहीं मिला है। तो स्टार्टिंग में जब आप इसको सेटअप करते हो तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है पर्सनलाइज्ड एड्स का, तो उसको अगर आप ऑफ करोगे तो उसमें आपको कोई भी एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। तो अगर आपके फोन में अभी भी आपको एड्स देखने को मिल रहा है तो जरूर से आप उस ऑप्शन को एक बार चेक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें काफी सारे अननेसेसरी एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ MIUI 11 के बारे में, तो इसका UI आपको काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको कोई भी बग्स भी देखने को नहीं मिलते, तो ओवरऑल मुझे इसका UI बहुत ज्यादा पसंद आया। और बहुत जल्द इसमें MIUI 12 भी आने वाला है, तो MIUI 12 दोस्तों बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, उसमें आपको काफी सारे नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो जब भी वो इस फोन में आएगा मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर से बना दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके बैटरी बैकअप के बारे में, तो पोको X2 में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। अभी दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट में रिव्यूज देखें तो बहुत ही खराब रिव्यूज आपको इसके बैटरी के रिगार्डिंग देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे थे कि उनको अपने फोन में बैटरी ड्रेन वगैरह देखने को मिल रहा है। अभी मैं इस फोन को बहुत ही लंबे समय से यूज कर रहा हूँ और मुझे इसमें कोई भी बैटरी ड्रेन वगैरह देखने को नहीं मिला है, तो मुझे एवरेज यहाँ पर 8 to 9 hours तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, और मैं इसमें 1 या 2 घंटा गेमिंग, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और जो भी नॉर्मल एप्लीकेशन वगैरह होते हैं उसको सब कुछ मिलाकर भी मुझे यहाँ पर 8 to 9 hours तक का स्क्रीन ऑन टाइम इसमें देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अपने फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रेन देखने को मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट में इसके बारे में ज़रूर से बता सकते हो। और दोस्तों आपको इसमें 27W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और मैंने इसको कुछ टेस्ट करके देखा था तो ये लगभग 65 मिनट्स में फुल चार्ज होता है, जो कि सच में काफ़ी इंप्रेसिव बात है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर मुझे बैटरी वगैरह इसमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में, फॉर एग्जांपल इसके स्पीकर्स वगैरह, तो यहाँ पर मुझे इसका ऑडियो आउटपुट एवरेज लगा, इतना भी बेटर नहीं है और इतना भी बुरा भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको एवरेज ऑडियो क्वालिटी इसके स्पीकर से और इसके हेडफोन जैक से देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके सिक्योरिटी के बारे में, तो दोनों यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों यहाँ पर परफेक्टली काम करते हैं, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर साइड में फिंगरप्रिंट होने की वजह से भी मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा लॉन्ग टर्म रिव्यू। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके कंक्लूजन के बारे में, तो मुझे ये फोन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो 20,000 के नीचे अगर आप कोई भी स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यार इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर गेमिंग और कैमरा के मामले में भी ये फोन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आपको अंडर 20,000 किसी और फोन में देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो आप इसको आग बंद करके परचेज कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो
पसंद आई तो जरूर से इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जरूर से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।